तो और मेरे भाई यार फिर से आप सभी का स्वागत है कतई तबाहीदार गेम प्ले वीडियो में। और यार जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ना वही आज इस वाले वीडियो में आपको बताऊंगा, तो वो तो बाद में बताऊंगा, पहले गेम प्ले में ध्यान देते हैं। तो इस वाले गेम प्ले की बात करें तो भाई देख लो खुद ही कहाँ उतर रहे हैं भाई, फैक्ट्री उतर रहे हैं और देखते हैं भाई कितने बंदे आते हैं, जितने भी आएंगे हम बराबर बजाएंगे भाई, चिंता काहे ले रहे हो तुम। तो अभी तुम्हें भाई पीछे देख के लग रहा होगा कि भाई अलग अलग टीम्स आई हैं, दो तीन टीम आई है, लेकिन ऐसा कुछ ना है भाई, मतलब पूरी की पूरी एक स्क्वाड है लेकिन आई किस्तों में है, तो किस्तों में इनको भेजेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लूट कर लेते हैं और तुम देख सकते हो तुम्हारे भाई को मिल चुकी है M16 और UG मिल चुकी है, तो मैं भैया दबा के रस कर देता हूँ। और अभी तक भाई मुझे ये लग रहा था कि भाई मतलब दो तीन टीमें आई है और आपस में लड़ झगड़ के एक दो बंदे बचे होंगे उनको मारूंगा, लेकिन यहाँ पे पूरी की पूरी एक स्क्वाड है तो निपटाते हैं भाई पहले जल्दी से। और सबसे पहले ये वो वाली पिंक फिराक वाली लड़की दिखती है, इसको एक दो गोली लगती है भाई उजी की, जिससे किसका कुछ नहीं होने वाला, इतने से तो भाई आजकल बंदे नाश्ते में खा जाते हैं। तो सबसे पहले इस पे रस करते हैं और निपटाते हैं साली को। एक मिनट भाई मुझे नहीं पता साली है कि साला, लेकिन जो भी है भाई मारते हैं इसको जल्दी से। तो इस वाली पिंक फिराक वाली को तो निपटा देता हूँ, उसके बाद सामने एक और बंदा है और अब देखो भाई कैसे बचते हैं इस 12 के से। तो यहाँ पे भाई फिलहाल की बात कुछ ऐसी थी, दो बंदे नॉक थे और मैं सबसे पहले हेल्थ लगाता हूँ और उसके बाद एक और बंदा यहाँ पे आता है इनको रिवाइव करने और उसके बाद ये नीली फिराक वाली लड़की इनके साथ गुलूलू कर रही थी, तो इस वाली लड़की को भी निपटा देते हैं। और तीन बंदे नॉक थे और अभी भाई चौथा भी आएगा। उसके बाद भाई इस वाले बंदे को फिनिश करता हूँ और सामने से तुम्हें दिखी रही होगी कि भाई पिंक फिराक वाली लड़की आ रही है, तो इसको भी जल्दी से निपटाते हैं। और मुझे समझ नहीं आ रहा भाई पूरी स्क्वाड ने भाई फिराक क्यों पहन रखी थी, लेकिन जो भी हो यहाँ से मैं S12 के उठा लेता हूँ सबसे पहले। तो इस वाले क्लच के लिए तुम्हें सब्सक्राइब और लाइक भाई दोनों ठोकना होगा भाई, पूरी की पूरी फिराक वाली स्क्वाड को मैंने निपटा दिया है और अगर तुमने नहीं ठोका ना भाई तुम्हें हर मैच में बॉट मार के जाएगा, इसलिए भाई ठोक दो भाई। उसके बाद एक सामने बॉट दिखता है तो इसको जल्दी से फिनिश करते हैं और उसके बाद थोड़ी बहुत लूटा पार्टी करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। तो उसके बाद मैं अपनी सस्ती फरारी को लेकर आता हूँ इस वाली साइड पर और यहाँ पर तुम्हें आगे दो दो लगोट दिख ही रहे होंगे। और मुझे ये समझना आया कि भाई गाड़ी में बैठे हुए बंदे को गाड़ी वाला बंदा कैसे डैमेज दे सकता है गाड़ी से, तो तुम्हें समझ नहीं आया होगा क्या मैंने बक दिया, लेकिन भाई पता नहीं क्या सीन हो गया यहाँ पे, उस वाले बंदे को मैंने थोड़ा सा डैमेज दिया कैसे ना कैसे करके। उसके बाद ये वाले बंदे यहाँ पे रुक जाते हैं क्योंकि इनकी बग स्किट हो जाती है। मजाक कर रहा हूँ भाई, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मतलब एक बंदा यहाँ पे उतर जाता है उस बगी से, चलती हुई बगी से, तो उस वाले बंदे को जल्दी से निपटाते हैं। तो इसी के साथ भाई विशाल को तो निपटा देते हैं, उसके बाद भाई दो दो बंदे मेरे पे रश कर देते हैं। तो भैया जी यहाँ पे मुझे कुछ ना पता भाई, तुम्हें अब सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन आता है ना उसे दबाना होगा, तो यहाँ पे मैंने कतई खतरनाक वाला क्लच कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे एक स्मोक कर देता हूँ ताकि कोई इधर उधर से भाई मेरा पटपटिया हेडशॉट ना चिप जाए। तो उसके बाद भाई सामने से दो दो बंदे गाड़ी में जाते हैं, गाड़ी में नहीं बगी, भाई बगी भी तो गाड़ी है, मैं भी क्या बोल रहा हूँ। तो उसके बाद भाई सामने जाते हैं और यहाँ पे रुक जाते हैं और यहाँ पे देखो भाई खतरनाक वाला क्लच, और ये वाला क्लच देख के तुम्हें मजा आया होगा। तो यार भाई जल्दी से वीडियो को लाइक मारो, और क्लच मैंने नहीं किया साला, रेड जोन ने मेरा कर दिया, तो कोई बात नहीं। तो अब उसके बाद भाई मैं तुम्हें वो वाली बात बता देता हूँ जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में जिक्र किया था और थंबनेल में भी बताया, ठीक है। तो मेरे भाई तुम्हें पता ही होगा कि यार पबजी मोबाइल लाइट के अनबैन के लेके कोई भी बात नहीं है, और पबजी मोबाइल तो अनबैन हो रहा है, एक दो दिनों में हो भी जाएगा, लेकिन पबजी लाइट का क्या होने वाला है। और मान लो कि यार पबजी लाइट इंडिया में बैन हो गया, तो उसके बाद तुम क्या भाई पबजी लाइट को VPN लगा के खेल सकते हो, ये वाला सवाल भाई सबके मन में आ रहा होगा, मेरे मन में भी आया था, तो इस वाले सवाल का मैं जवाब देने वाला हूँ तुम्हें। तो मेरे भाई तुम्हें पता ही होगा जब पबजी लाइट जो है भाई इंडिया में अवेलेबल नहीं था, लॉन्च नहीं हुआ था ना, तो हम भाई VPN लगा के उसे खेल सकते थे पबजी लाइट को, लेकिन मेरे भाई हम उसे इसलिए खेल पाते थे क्योंकि वो लॉन्च नहीं था अगर हमारी कंट्री में, तो
बैन भी नहीं था, ठीक है। और अगर बैन हो गया ना तो जैसा टिकटॉक का हुआ ना वैसे ही सीन होगा हमारे साथ भी, और हम जो भाई पबजी मोबाइल ऐप को ओपन नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके सारे सर्वर बंद हो जाएंगे। ऐसे तो भाई ऐसा ही होने वाला है, अगर मान लो भाई गलती से भाई बोल सकते हो पबजी लाइट बीपीएन से ओपन भी होने लग गया ना तो भी यार कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम्हें भाई मजा नहीं आने वाला है। तुम कितना खेल लोगे भाई बीपीएन लगा के, एक दिन दो दिन एक हफ्ता दो हफ्ता, भाई उसके बाद तुम उख जाओगे भाई। बीपीएन का सेपा बहुत गंदा होता है, तुम मुझसे पूछो, मैंने भी खेला भाई, मेरे से भी ज़्यादा नहीं खेला आता है, क्योंकि अब भाई बीपीएन लगा के बंदा कितना कर खेल लेगा तुम खुद ही बता लो। कहते भाई उसमें नेट भी ज़्यादा जाएगा और पिंग भी अच्छी नहीं आएगी और मज़ा भी कम आएगा, ठीक है। इससे अच्छा बंदे भाई पबजी मोबाइल ही खेल लेंगे, और भाई पबजी मोबाइल ना सही तो जिनके मोबाइल में नहीं चलेगा तो कोई और गेम ट्राई कर लेंगे, लेकिन पबजी लाइट फिर नहीं खेलने वाले तुम तो मेरे भाई। अब तुम्हारे दिमाग में वो वाली बात तो घुस गई होगी भाई क्या होने वाला है। तो उसके बाद में इस वाले गेम प्ले की बात करें तो तुम देख सकते हो कहाँ पे उतर रखे थे, और एक बंदा यहाँ पे आता है उसको मैंने फिनिश कर दिया। उसके बाद एक और बंदा दिखता है जो कि लिफ्ट में ऊपर, और लिफ्ट कहाँ पे जाती है सबको पता है, तो हम भी जल्दी से भग के वहीं जाएंगे। और उसके बाद भाई ऊपर बंदा था तो जल्दी से जाते हैं और इसको निपटाते हैं, और देख रहे हो किस्मत भैया प्लेयर भी मिल गई। तो इन वाले भाई को तो मैं निपटा देता हूँ, उसके बाद इनको जल्दी से फिनिश करते हैं। और देख लो भाई, मतलब कतई हमारी तो कोई इज्जत ना है भाई, लिफ्ट हमें नीचे फेंक रही है और कह रही है भैया किराया दो तभी ले जाऊंगी। भाई ले लेना भाई, 5 BC पड़े हैं अपने पे, तुम ले लेना, लेकिन कतई लिफ्ट तो करवा देते उधर तक। तो कोई बात ना भाई, हमारे पास गाड़ी है, अपनी गाड़ी में जाएंगे। और जाते जाते इस वाले बंदे के पता नहीं कहाँ पे खुजली मचती है, तो हम पे भाई ओपन पे रह के गोलियां मार रहा था, तो इनको बड़े प्यार के साथ हम कुचल देते हैं। उसके बाद थोड़ी बहुत इनसे लूटा पार्टी लेंगे अगर होगा थोड़ा बहुत, तो उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। तो उसके बाद मैं बंदे ढूंढता हूँ और ज़्यादा ढूंढता हूँ और उससे भी ज़्यादा ढूंढता हूँ, फिर आता हूँ यहाँ पे, फिर दिखता है ये वाला बंदर और इसको मैं कर देता हूँ नॉक। उसके बाद भाई एक और बंदर तुम्हें दिख ही रहा होगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, और उसके बाद भाई मुझे लग रहा था ये जो पेड़ दिख रहा है ना इसके पीछे वो बंदा है, तो मैं सोचता हूँ चलो सबसे पहले भाई ग्रेनेड कर लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैं ग्रेनेड फेंक देता हूँ, लेकिन मैं जितना भी दिमाग लगा रहा था ना ये बिल्कुल बेकार था, क्योंकि वो बंदा यहाँ पे साला था ही नहीं। और ये तो वो वाला बंदा था जिसको मैंने सबसे स्टार्टिंग में नॉक किया था। और भैया जी क्या ही गंदे तरीके से मारा इनको, भाई लाइक कर दो जल्दी से। तो इन वाले बंदे को सबसे पहले फिनिश करते हैं और उसके बाद निकलते हैं भाई यहाँ से। तो उसके बाद भाई मैं गाड़ी लेके आता हूँ यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा देर तक मैंने बंदे ढूंढते हैं लेकिन मुझे कोई भी नहीं मिला, इसलिए मैं ढूंढता यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे भाई स्नाइपर चला रहा था कोई बंदा, और बंदे तुम्हें दिख गए होंगे भाई कतई स्नाइपिंग में मगन हो रखे हैं, और इनको कोई पता नहीं था मैं आ गया हूँ यहाँ पे। और भैया जी ऐसा ही होता है भाई, तुम कतई स्नाइपिंग में मस्त रहो और भाई बगल से तुम्हें कोई निपटा जाएगा। मेरे साथ भाई एक दो बार हुआ है, लेकिन अब मैं भाई मिनी मैप में नज़र रखता हूँ और फुटस्टेप आ जाते हैं तो इसलिए पता लग जाता है। तो इन वाले बंदों को मैं फिनिश भी कर देता हूँ और इनसे भाई WWM भी चुरा लेता हूँ। और उसके बाद भाई जिन पे अपने स्नाइपर का उपयोग कर रहे थे ये बंदे ना, उन वो मुझे दिख जाते हैं भाई। और मैं भाई बहुत ज़्यादा नाकामयाब कोशिश करता हूँ इनको मारने की, लेकिन नहीं मर पाते क्योंकि साला गोलियां नहीं यहाँ तक पहुँच रही थी। और यहाँ पे तुम देख सकते हो परफेक्ट शॉट था लेकिन नहीं पहुँची। तो उसके बाद यहाँ पे मैं बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो भाई फ्लेयर गन पड़ी है उसको चला ही देते हैं। और उसके बाद ये वाले बंदे पानी क्रॉस करके इस साइड आते हैं, तो इनको जल्दी से प्यारा शॉट देते हैं अब। और अच्छा हुआ भाई मैंने इसको नॉक कर दिया, क्योंकि इस वाले बंदे के पास RPG थी। तो उसके बाद इस वाले बंदे को मारने की नाकामयाब एक और कोशिश करता हूँ, और उसके बाद भाई यहाँ पे रेस्ट कर देता हूँ। तो उसके बाद भाई ये सारे बंदे तो भाई हल्के में निपट जाते हैं, तो उसके बाद यहाँ से निकलते हैं जल्दी से गाड़ी लेके।
तो उसके बाद भाई ऊपर सर में बहुत गंदी वाली फाइट चल रही थी, तो हम जल्दी से अपनी गाड़ी लेते हैं और कर देते हैं इन पे रश। तो उसके बाद मैं इसको भाई मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भाई मतलब बंदा के कति टेलीपोर्ट हो रहा था क्योंकि इसका नेट भाई धोखा दे रहा था। तो उसके बाद भाई मैं सोचता हूँ चलो भाई रश करके मारते हैं। और यो रहा होगा भाई पीछे बैठा हुआ दुबक के। तो उसके बाद एक नल्ला ग्रेनेड है, तो मैंने सोचा भाई कदे हम भी ग्रेनेड मारेंगे और इसको मार देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो भैया जी उसके बाद लास्ट वाला बंदा रह रहा है, और इस वाले बंदे को ढूंढने के लिए मैं सच में बता रहा हूँ भाई मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, लेकिन हरामी मिला नहीं, लेकिन लास्ट में जाके मिलता है। और इस वाले बंदे को हमने कहा था ना भाई AWM से मारेंगे, तो इस वाले बंदे को मारेंगे। और जैसे तैसे करके मैं इस वाले बंदे को निपटा देता हूँ। और भाई मेरी क्लोज रेंज वाली जो स्नाइपिंग होती है ना, जो लोग भाई TDM में कार 90 उठा उठा के करते हैं, वो वाली मुझे जरा भी नहीं आती। तो तुक्के से इसको एक हेडशॉट लग जाता है, और इसी के साथ एक कमाल का चिकन डिनर हो जाता है। अगर भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। तो बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।